इस दुनिया में कोई भी जीव जंतु बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकता है। सांस लेने के लिए आपके लंग्स इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। यदि किसी को लंग कैंसर होता है तो उसके लिए ये एक बड़ी परेशानी बन जाता है। आज के इस दौर में प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जो सबसे पहले आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है। ये आपके पूरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। इसकी वजह से आपको कई सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम सभी जानेंगे लंग कैंसर क्या होता है, आखिर है क्या चीज और इसके कारण क्या है और इलाज क्या है, ये भी इस वीडियो में पूर्णतः समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी सी डिटेल में है तो लंबी हो सकती है, लेकिन अंत तक बने रहेंगे तो आपके पूरे जीवन काम आएगी, तो इसीलिए अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका ये प्रयास हमें इंस्पायर करता है कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर के आए। हमें खुशी होती है, साथ ही साथ अन्य लोगों को इससे लाभ भी मिल जाता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि लंग कैंसर होता क्या चीज है। इंसान के शरीर में लंग का काम होता है सांस लेने में मदद करना। सांस ही आपके शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन देने में मदद करता है। दरअसल कैंसर ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं शरीर में। लंग कैंसर की कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाओं की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती हैं और अलग होने लगती हैं। कुछ कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर का रूप भी ले लेती हैं। लंग कैंसर किसी भी व्यक्ति को तब होता है जब उसके लंग्स की कोशिकाएं असामान्य होने लग जाती हैं। लंग कैंसर की कोशिकाएं रक्त या फिर लसिका तंत्र के द्वारा शरीर के किसी अन्य हिस्से या फिर अंग में पहुंच जाती हैं, क्योंकि यही उनके लिए माध्यम बन जाता है। इसे मेटास्टेसिस कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि लंग कैंसर के कारण क्या है। कारणों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बीमारी के कारण को हम समझ जाएंगे तो हम सभी उस बीमारी से बचे रह सकते हैं। सबसे पहला कारण है धूम्रपान करना। आज के समय में जो लोग बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं उन लोगों को लंग कैंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो अगर इस एडिक्शन से परेशान हैं आप, यानी कि धूम्रपान की लत से परेशान हैं, तो आपके लिए हमने इस चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आप अपने धूम्रपान की या शराब पीने की लत है या कोई भी एडिक्शन है तो उसको छुड़ा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा इसके लिए कारण है फेफड़े में संक्रमण। अगर आपको अस्थमा जैसी बीमारी है तो आपको लंग कैंसर हो सकता है, इसीलिए टेस्ट कराना इस स्थिति में बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा पोल्यूशन, जी हां प्रदूषण। आज के समय में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इसके कारण लोगों को कई सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं और ये लंग कैंसर का प्रमुख कारण होता है, क्योंकि यह शरीर में प्रदूषित हवा भेजता है जो हमारी लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये समस्या होती है। इसके अलावा तंबाकू, आज के समय में पुरुषों में कैंसर का मुख्य कारण ये होता है, यानी कि तंबाकू का सेवन करना होता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनको इसकी संभावना ज्यादा रहती है। इसी के कारण मुख में भी कैंसर होता है, यानी कि मुंह का कैंसर भी इसी वजह से होता है। उसको दूर करने के लिए भी हमने इस चैनल पर एपिसोड बनाया हुआ है कि अगर मुख कैंसर से आपको बचे रहना है तो क्या करना चाहिए, आप इस चैनल पर दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बन जाइए, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर के आते रहते हैं। इसके अलावा रेडॉन गैस, जी हाँ इसका शिकार वो लोग होते हैं जो कोयला और सैनिक या प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करते हैं। ये गैस लंग्स कैंसर को बढ़ा देती है, शरीर में तेजी से बढ़ाती है, इसलिए परेशानी होती है। इसके अलावा एस्बेस्टोस फाइबर, दरअसल इसका उपयोग घरों और दुकानों की छतों को बनाने में किया जाता है। इसमें मौजूद रसायन सांस के जरिए आपके लंग्स तक पहुंचते हैं और आपके लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाते हैं। अब इसके लक्षणों को जान लेते हैं कि कैसे आप इसे पहचानेंगे। जितना जल्दी पहचानेंगे उतना बेहतर होगा इलाज कराने के सिलसिले में। अगर इन चीजों से बचे रहेंगे तब तो आपको होगा नहीं, और अगर आप कुछ और औषधियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो आप समझते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। हड्डियों में दर्द होना। लंग कैंसर के बढ़ने से जोड़ों, पीठ, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में दर्द हो सकता है। कभी कभी शरीर के किसी हिस्से की हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा
चेहरे और गले में सूजन होने लगती है। लंग कैंसर के कारण चेहरे और गले में सूजन आ जाती है। यदि गले और चेहरे में कोई अचानक सूजन या परिवर्तन आए तो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए। लंबे समय तक खांसी से लंग कैंसर हो सकता है। आपको पुरानी खांसी है तो खांसी आमतौर पर 2 से 3 सप्ताह तक रहती है, लेकिन अगर लंबे समय से किसी को खांसी बनी हुई है, सीने में दर्द हो रहा है और बलगम है और बलगम ज्यादा निकलता है तो आपको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि लंग कैंसर का वो रूप ले सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर होने का सबसे प्रमुख लक्षण होता है जब आपकी सांस अचानक फूलने लगती है। ऐसा तब होता है जब आप अचानक बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, तो समझिए कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत है और सावधान होने की। ठंड के मौसम में सभी को हल्की खांसी हो जाती है, लेकिन जब आपकी खांसी में खून आने लगे तो आपको तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। जब आपको भूख कम लगने लगती है तो भी आपको लंग कैंसर के ये लक्षण की तरफ इशारा कर रहा होता है। जब आप खाना ही नहीं खाएंगे तो आपका वजन अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि इस स्थिति में यही होता है, वजन भी कम होने लगता है। अगर आपका थोड़ा सा काम करने में भी थकान सी महसूस होने लगती है, आप थोड़ा सा कार्य करते हैं और थक जाते हैं, सांसें फूलने लगती हैं, तो भी आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऐसे लोगों को सांस लेने में छाती में दर्द, घबराहट होने लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। अब इसका इलाज क्या है सबसे पहले समझ लेते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग, फिर कुछ एक घरेलू औषधियों को जानेंगे जो कि बेसिकली बचाव होगा आपके लिए। बचाव के तरीके और भी हमने आपको बताए कि आपको किन किन चीजों को नहीं करना है, जैसे कि स्मोकिंग को नहीं करना है, गुटखा नहीं खाना चाहिए, इसके अलावा खैनी का सेवन नहीं करना चाहिए। मुख कैंसर का खतरा इससे सबसे ज्यादा रहता है, लंग कैंसर का भी खतरा रहता है। अगर करते ही हैं तो पान और नीम की पत्ती ले लीजिए, पान ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, इन तीनों को एक साथ उबाल लीजिए और उबालने के बाद इससे मुख में रखा कीजिए। सप्ताह में 3 से 4 दिन जरूर ये प्रयोग कीजिए अगर आपको गुटखा खाने की आदत है तो, और इससे आप क्लीन कर सकते हैं, मुख कैंसर से बच सकते हैं। लंग कैंसर के लिए हमने इस चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है कि आप फेफड़ों को क्लीन करने के लिए किन किन औषधियों का सेवन करें और कैसे करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आप कम से कम लंग्स को क्लीन तो रख सकें। एटलीस्ट सबसे अच्छी बात होगी कि आप छोड़ दें अगर स्मोकिंग को, और नहीं भी छोड़े हैं तो आपको उस वीडियो के सहारे हमने बताया हुआ है, क्योंकि इसमें बताएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फेफड़ों को क्लीन करने के बारे में बताया हुआ है, लीवर को क्लीन करने के बारे में बताया हुआ है अलग अलग वीडियो में, तो आप फेफड़ों वाला जरूर देखिए, आपके काम आएगी। अब समझते हैं इसके, जब आप इलाज के लिए जाते हैं तो क्या होता है, ताकि आप समझते रहें तो और इजी हो जाए। लंग कैंसर का इलाज के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपको शारीरिक परीक्षण के लिए भेजते हैं और बोलते हैं कुछ एक चीज़ें कराने के लिए। सबसे पहले आपके छाती का एक्सरे किया जाता है। जब एक्सरे से कुछ पता नहीं चलता है तब आपका सीटी स्कैन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है तब आपका MRI कराने की सलाह दी जाती है और MRI की जाती है। उसके बाद एक बायोप्सी की जाती है। इस बायोप्सी के जरिए उस ट्यूमर का एक सैंपल लिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि ये किस प्रकार का लंग कैंसर है। इसके बाद ही डॉक्टर उस मरीज की व्यक्तिगत स्थिति को देखते हुए उसका इलाज करता है। इसके सामान्य उपचार में कुछ एक चीजें शामिल हैं, जैसे कि ट्यूमर और आसपास के ऊतक को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए डॉक्टर सर्जरी का सहारा लेते हैं। आमतौर पर जब स्थिति काफी गंभीर हुई रहती है तभी कैंसर का उपचार करने के लिए उस मरीज की कीमोथेरेपी की जाती है, ताकि इस थेरेपी के जरिए खराब कोशिकाओं को नष्ट किया जा सके। यदि आपके किसी जानने वाले में लंग कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है तो आपको किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति की जान तक जा सकती है। लंग कैंसर होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और टेस्ट करा लेना चाहिए। प्रदूषण वाली जगहों से बचना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह की लत से बचना चाहिए, और सबसे अच्छी बात कि आप स्वस्थ हैं तो भगवान को शुक्रिया कीजिए एक बार, और हमेशा अपने लीवर को डिटॉक्स करते रहिए। 7 दिन में 15 दिन में अपने किडनी को डिटॉक्स करते रहिए और खास करके फेफड़ों को डिटॉक्स करते रहिए। अगर आपको गुटखे की आदत है, आप जानते हैं कि आपको किस चीज की आदत है, आपको अगर श्वसन संबंधी चीजों की आदत है, यानी कि स्मोकिंग की, बीड़ी की आदत है, तो आपको फेफड़े को क्लीन रखना है। हमने बताया हुआ है इस चैनल पर कैसे आप कर सकते हैं। आपको मुख का यानी कि खैनी की आदत है या गुटखे की आदत है तो आपको मुख की सफाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप इन चीजों को छोड़ दें, लेकिन बहुत से लोग हैं नहीं छोड़ पाते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं।
हैं एक्चुअली। तो जब छोड़ना ही नहीं चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट आप इन औषधियों का प्रयोग करके अपने आप को फिट रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वो इस चैनल पर देख सकते हैं। लिवर, जो लोग दारू का ज़्यादा सेवन करते हैं यानी कि नशे का ज़्यादा सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनके लिवर की समस्या रहती है, तो उन लोगों को वो देख लेना चाहिए कि लिवर को कैसे डिटॉक्स करना है। इसके अलावा ऐसे ही हमने बताया हुआ है किडनी को साफ करने के लिए बताया हुआ है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है और यही हमारा प्रयास है इस चैनल के माध्यम से कि हर चीज़ के बारे में जानकारी रहे आपको। बीमारी चाहे कोई भी हो या फिर कोई औषधि हो, सब कुछ के बारे में पता होना चाहिए हम सभी को ताकि उसका सही और उचित उपयोग कर सकें। आपके मन में कोई सवाल है सेहत को लेकर के तो आप लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी औषधि के बारे में, तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें बेहद खुशी होती है जब आप सभी लाइक शेयर एंड कमेंट करते हैं तो, और अन्य लोगों को इससे लाभ मिल जाता है। सो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।